विराट कोहली आज सफलता के शिखर पर खड़े हैं। 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। मोहम्मद कैफ के बाद कोहली अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले दूसरे कप्तान बन गए और इसी साल कोहली को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला। उन्होंने गौतम गंभीर के साथ श्रीलंका में भारतीय पारी की शुरुआत की। आज कोहली टीम इंडिया के सबसे बड़े सितारे हैं, लेकिन कोहली के साथ साल 2008 में ही 5 दूसरे क्रिकेटरों ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। पर आज वो क्रिकेटर कहाँ हैं, शायद ही किसी को पता हो। NMF न्यूज आपको आज ऐसे ही 5 क्रिकेटर्स के बारे में बता रहा है जो आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो से गए हैं। मनोज तिवारी। 31 साल के हो चुके हैं मनोज तिवारी। एक समय पर तिवारी को भविष्य के बड़े सितारे के तौर पर देखा जा रहा था। वो घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेल रहे थे। बंगाल के घरेलू क्रिकेट में उन्हें काफी सम्मान के साथ देखा जाता था। लोग उन्हें छोटा दादा कहा करते थे। 2008 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की। शुरुआत अच्छी नहीं रही और तिवारी को फिर 3 साल इंतजार करना पड़ा। 2011 में वो वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम का हिस्सा बने। दिसंबर 2011 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जमाया। आखिरी बार तिवारी जुलाई 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में उतरे थे। भारतीय मध्यक्रम में इस समय जो कड़ी प्रतिस्पर्धा नजर आती है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तिवारी की वापसी बहुत मुश्किल है। यूसुफ पठान। यूसुफ के छोटे भाई इरफान पठान ने पहले ही भारतीय टीम में जगह बना ली थी। 2007 में यूसुफ ने वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला T20 मुकाबला खेला। इसके साथ अगले साल राजस्थान रॉयल्स को पहला IPL खिताब जिताने में भी यूसुफ के बल्ले का अहम रोल रहा। साल 2008 में यूसुफ ने भारत के लिए पहला वनडे मुकाबला खेला। यूसुफ ने साल 2008 से साल 2012 तक भारत के लिए 57 वनडे खेले। प्रदर्शन में निरंतरता के अभाव के चलते टीम में उनकी जगह पक्की नहीं हो पाई। IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भारतीय टीम के लिए उनकी राहें आसान नहीं। प्रज्ञान ओझा। ओझा भारतीय टीम में अंदर बाहर होते रहे हैं। जून 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप मुकाबले से शुरुआत करने वाले ओझा लंबे समय तक कभी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। बाएं हाथ के स्पिनर ओझा ने तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो सबसे ज्यादा कामयाब टेस्ट क्रिकेट में रहे, जहां 2010 से 2013 में उन्होंने बहुत ही कम मैचों में 100 विकेट लिए। ओझा अभी सिर्फ 30 साल के हैं, ऐसे में उनके करियर को खत्म मानना जरा जल्दबाजी होगी। मनप्रीत गोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रफ्तार भरता नजर आया। मजबूत कदकाठी वाले इस गेंदबाज को 2008 में ही भारत के लिए खेलने का मौका मिला। उन्होंने एशिया कप में कराची में हांगकांग के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की। 3 दिन बाद ही उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी शिरकत की। ये मुकाबला उनके करियर का आखिरी मुकाबला साबित हुआ। IPL में उनका दूसरा सीजन ज्यादा यादगार नहीं रहा। गोनी कुछ निजी विवादों के चलते भी सुर्खियों में रहे। वो हालांकि अब भी पंजाब की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने 165 विकेट लिए हैं। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की प्रतिभा कभी संदेह के घेरे में नहीं रही। बद्रीनाथ और कोहली ने एक ही सीरीज से अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन को वो कभी अंतर्राष्ट्रीय करियर में दोहरा नहीं पाए। उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट, 7 वनडे और 1 T20 मुकाबला खेला, पर कुल मिलाकर वो 200 रनों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। वहीं घरेलू क्रिकेट में उनका 10,000 से ज्यादा रन है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।